अपनी बातों में अलग अलग ढंग से समझाया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में एक महिला और आई है, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या है। मैडम आपका नाम? रीना नाम है मेरा। रीना नाम है मेरा, मैं तेज बोलो। रीना नाम है मेरा, मैं सुगरौली ब्लॉक की कुशीनगर जिले की सुगरौली ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ, आशा अध्यक्ष हूँ। आपकी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आप यहाँ आई हैं? मैं आशाओं के वेतन या मानदेय, जैसे आंगनबाड़ी को रखा गया है कि मानदेय मिल रहा है समय समय से, ऐसे आशाओं को मिला जाए। क्योंकि आशाएं जब भी डिलीवरी लेकर जाती हैं, रात में कोई घटना घटता है न कोई MIC सुनता है, न कोई DM, न कोई CMO, अगर कोई भी घटना घट जाती है, इसलिए हम लोगों को वेतन चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार भी हम लोगों को कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार भी नहीं कुछ किया। ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो पोलियो चल रहा था अभियान, वो आशा संगिनी और आशा की देन है। और ये जो हम लोग के मानदेय की बात है, ये सरकार कई बार वादा करके तोड़ दी है। और जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी ये मात मृत्यु दर कम हुई हैं, जितने नए नए बीमारियां कम हुई हैं, वो आशा के वजह से कम हुई हैं। क्योंकि यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में पोलियो से ग्रस्त सारे परिवार थे, और जहाँ तक ये परिवार बढ़ाने की बात है, ये आशा फैमिली प्लान के बारे में आशा ही बताती है। आशा को ही कॉन्डम, आयरन की गोली, हर चीज़, ओरल पेंस, ये सब उपलब्ध कराया जाता है हॉस्पिटल से। इसीलिए हम यही चाहेंगे कि हमारी आशाएँ जितने भी हैं, पूरे प्रदेश की आशाओं की मैं बात कर रही हूँ, हम लोगों को एक अस्थायी मानदेय, हम लोगों को एक अस्थायी मानदेय दिया जाए, और हम लोगों को कुछ जगह कर्मचारी जैसा वेतन मिले, हम लोग की मांगे ही है। और हम लोग जो फैमिली प्लानिंग और सारे चीज़ के बारे में बताया जाता है, हम ही लोग उसको करते हैं। और ये किसी अलग अलग का धरना नहीं, अलग अलग का प्रदर्शन नहीं है, ये नारी शक्ति संगठन का प्रदर्शन है। और ये इसका विचार है, ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं, केवल आंगनबाड़ी अलग लड़े, आशा अलग लड़े, ये गुमराह की बात है। क्योंकि हम लोग साथ मिलकर इसलिए लड़ना चाहते हैं कि सरकार का मकसद है कि आशा अगर काम नहीं करेगी तो वो काम आंगनबाड़ी को दे दिया जाएगा, और आंगनबाड़ी नहीं काम करेगी तो ये काम आशा को दे दिया जाएगा, मेरा काम चलता रहेगा। इसीलिए हम दोनों मिलकर लड़ना चाहते हैं कि हम दोनों एक ही साथ लड़ेंगे, एक ही साथ काम का बहिष्कार करेंगे। और आशा है, आंगनबाड़ी दोनों का एक ही काम लगभग है, वो कुछ शिक्षा विभाग से भी है, स्वास्थ्य से कुछ है, हम लोग सीधे स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़े हैं। और हम लोग के साथ जितना दुष्कर्म होता है, जितना दुष्प्रभाव पड़ता है, वो जो जानते हैं, पूरे प्रधानमंत्री, पूरे देश के लोग जान रहे हैं। आशाओं की कोई ड्यूटी नहीं, आशाओं की 24 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। और ये सरकार ख्याल करे, ये हम लोग को अपने संज्ञान में लेते हुए हम लोग का सीधे सरकारी वेतन जैसा, सरकारी कर्मचारी जैसा वेतन दे, यही हम लोग की मांग है। और इसीलिए हम लोग जंतर मंतर पे धरना देने के लिए उतरे हैं। जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, हम लोग का मकसद है।